Hey guys, welcome to our channel. My name is Absar and you're watching Technical Absar YouTube channel. तो guys, आज के वीडियो काफी ज्यादा important है. अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपका WhatsApp भी हैक हो सकता है. तो guys, देखो यहाँ पर क्या हुआ है. अभी WhatsApp आपको अभी बहुत सारी न्यूज में सुनाई दिया होगा एंड आपने बहुत जगह पर इस चीज को सुना भी होगा कि काफी सारे लोगों के अभी WhatsApp हैक हो रहे हैं, मोबाइल वगैरह हैक हो रहे हैं. तो इस चीज से बचने के लिए अभी WhatsApp ने रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट किया एंड वहां पर कहा कि आप WhatsApp के ऊपर जाओ और अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करो. ओके, एंड वहां पर उन्होंने प्रोसेस भी बताया कि भाई किस तरीके से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को करना है इनेबल, ताकि आप हैकिंग से सिक्योर हो जाओ और आपके WhatsApp के ऊपर आप ज्यादा सिक्योरिटी ऐड कर दो. इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से WhatsApp के ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है, ताकि अगर आपका WhatsApp कोई हैक करने की कोशिश करता भी है या फिर वो आपका OTP भी उसके पास चला जाता है या फिर आपका नंबर भी उसके पास अगर चला जाता है, तो आपके जो 6 डिजिट का आपका सीक्रेट कोड होता है, जब तक उसके पास नहीं रहेगा तब तक वो आपके WhatsApp को लॉगिन नहीं कर पाएगा. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर WhatsApp ने खुद अपने चैनल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है, साथ में ट्विटर के ऊपर भी एक ट्वीट करके बताया है, वीडियो भी शेयर किया है एंड वाबीटा इन्फो ने भी यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को रीशेयर किया है, ताकि लोग अवेयर हो जाए और वो अपने WhatsApp को सिक्योर कर पाए. अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से इनेबल करना है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट करो. ओके, तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को ओपन करके यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है. देन यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है. उसके बाद आपको मिलेगा अकाउंट का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है. देन यहाँ पर आपको 3rd नंबर के ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पर आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट का एक यूनिक कोड जनरेट करेंगे या फिर लगाएंगे, जो सिर्फ आपको ही याद रहेगा और जब भी आप खुद भी अपने ही डिवाइस के अंदर अगर WhatsApp को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ही आपको कोड पूछेगा. तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा कोड सेट करना है जो आपको हमेशा याद रहे. ओके, तो यहाँ पर हमें जस्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है. देन यहाँ पर अभी आपको बताएगा, फॉर एड सिक्योरिटी इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन विच विल रिक्वायर अ पिन व्हेन रजिस्टरिंग योर फोन नंबर विथ WhatsApp अगेन. ओके, तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. जस्ट आपको इनेबल के ऊपर क्लिक करना है. देन यहाँ पर आपको वो 6 डिजिट वाला अपना पिन एंटर करना है. तो गाइस मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अभी के लिए मैं कोई भी कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैंने 6 डिजिट का पिन एंटर कर दिया. अब मुझे यहाँ पर इसको कंफर्म करना होगा ताकि मैं इसको ना भूलूँ, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से इनेबल कर देता हूँ. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है, अपनी एक ईमेल आईडी इसके अंदर ऐड कर देना है. वैसे आप इस प्रोसेस को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप अपने अकाउंट को अगर मतलब आप अपना पासवर्ड अगर भूल जाते हैं जो आपने 6 डिजिट का डाला है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा जिसकी मदद से आप इसको बाद में रिकवर कर सकते हैं. तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पर स्किप कर देता हूँ. वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल्ड. तो यहाँ पर हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर दिया है. इस तरीके से आपको भी टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना है. एंड आपने यहाँ पर देखा कि ये स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर इसका नहीं ले सकते हैं. तो आपका जो भी आप यहाँ पर कोड डालेंगे, आप किसी भी यहाँ पर किसी भी सेक्शन के अंदर अगर है टू स्टेप वेरिफिकेशन के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं. तो आपको अपना कोड कहीं पर लिख लेना है या फिर आपको अपने किसी दूसरे डिवाइस से उसका फोटो वगैरह ले लेना है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसा कोड रखो जो आपको हमेशा ध्यान में रखिए. तो अब आपके WhatsApp को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, और अगर हैक कर भी लेता है बाय चांस तो वो आपके WhatsApp को ओपन नहीं कर पाएगा जब तक उसको 6 डिजिट का कोड ना मिले, और वो कोड सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास रहेगा. तो गाइस होप करता हूँ कि आप अगर WhatsApp चला रहे हैं तो आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के आपका नुकसान हो सकता है. सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जैसे प्रेस कर देना. एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.